देख रहे हैं SGN न्यूज़, की बात आपके साथ। अतिथि अनुदेशक पद से हटाए जाने पर सड़क पर उतरे अनुदेशक कर्मी, 1.5 साल पहले इनकी बहाली हुई थी और अब बगैर किसी अग्रिम सूचना के इन्हें पद से निकाल दिया गया। 1.5 साल पहले अतिथि अनुदेशक पद पर बहाल हुए कर्मियों को श्रम संसाधन विभाग द्वारा यह कहकर निकाल दिया गया कि इनकी बहाली में अनियमितता हुई है, जिसके विरोध में यह कर्मी विभाग के खिलाफ सवाल उठाते हुए पूछ रहे हैं कि जिन लोगों ने अनियमितता की है उन पर कार्यवाही की जाए। हम अतिथि अनुदेशक कर्मियों पर क्यों? इसके साथ ही मांग है इन लोगों की, जो भी प्रशिक्षु छात्र इस वक्त ITI में मौजूद हैं और जो अतिथि अनुदेशक कर्मियों के अभाव में प्रशिक्षण नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए जल्द से जल्द सुविधा मुहैया कराई जाए। या तो पद से हटाए गए कर्मियों की बहाली दोबारा से हो जाए या फिर उस वक्त पदों को नया अनुदेशक कर्मियों के साथ जल्द से जल्द भरा जाए। हम लोग की बहाली आज से 1.5 साल पहले अतिथि अनुदेशक पद पर हुई थी। गवर्नमेंट ITI पूर्णिया, बनमनखी, ITI बाईसी और महिला ITI और ITI जो धमदा अभी नया खुली है उसमें कोई अतिथि अनुदेशक की बहाली नहीं हुई, जो कि प्रक्रियाधीन है। तो अचानक विभाग जो है श्रम संसाधन विभाग, हम लोग को ये कहते हुए एक लेटर निकालते हुए हटा दिया गया कि आप लोग की बहाली में अनियमितता हुई है। तो अनियमितता अगर हुई है तो अनियमितता किसने की है उस पर कार्रवाई न करते हुए हम अतिथि अनुदेशक पर कार्रवाई करके निकाल दिया गया। ये भी नहीं सोची विभाग कि आखिर ये जो इतने सारे प्रशिक्षणार्थी है उसका प्रशिक्षण किसके भरोसे चलेगी, उसका कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। तो हमारी सरकार से मांग है कि प्रशिक्षणार्थी का कम से कम वैकल्पिक व्यवस्था किया जाए, या तो हमारी सेवा को वापस किया जाए या किसी भी तरह से उसका जो है प्रशिक्षण को फिर से सुचारू रूप से चालू किया जाए। आप लोग कितना दिन से थे और क्या आप लोगों ने कितना स्टूडेंट या टीचर हैं जो निकाला गया? हम निकलने के बाद वहाँ का विधि व्यवस्था क्या कैसा? हम लोग जो है आज से 1.5 साल पहले 5 ITI है, गवर्नमेंट ITI पूर्णिया, ITI बनमनखी, ITI बाईसी और वोमेंस ITI और ITI बनमनखी, इतने सारे ITI में हम लोग कुल मिलाकर के 30 जो है अतिथि अनुदेशक कार्यरत थे, जिसमें जो है थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल के अलग अलग के थे। हम लोग के निकलने के बाद वहाँ कुछ ITI में सिर्फ प्रिंसिपल ही बचे हुए हैं और कोई भी स्टाफ नहीं है। तो एक प्रिंसिपल के सहारे 400-500 स्टूडेंट का पढ़ाई किस प्रकार से हो सकता है? सिर्फ ये जो कारण है कि हमारा जो लेटर है उसमें सिर्फ ये दर्शाया गया है कि आपकी बहाली में अनियमितता बरती गई थी। इतने मतलब इतने कॉलेजों का जो आप टीचरों को निकाल दिया गया, तो फिर आप लोग क्या ऐसे चुप बैठे? जी नहीं, हम जो हमारा आंदोलन जारी है, हमारा आंदोलन पटना में जो है गर्दनी भाग में धरना प्रदर्शन जारी है और इसी तरह से हम लोग जिला वाइज भी आंदोलन कर रहे हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग चाह रहे हैं कि सरकार तक हमारी आवाज़ पहुँचे आप लोग के थ्रू से, तो यही हम लोग चाहते हैं कि हमारी सेवा फिर से वापस हो, यही हमारी सरकार की। स्टूडेंट क्या कर रहे हैं जब टीचर है नहीं तो फिर कॉलेजों में? हम यही चाहते हैं आपके थ्रू से जाए, आप जाए कॉलेज तक जाए और वहाँ पर पता करें कि आखिर टीचर वहाँ बच्चे क्या कर रहे हैं। इतने सारे वहाँ पर बच्चे हैं, लड़की हैं, लड़के हैं, इतने सारे बच्चे और हम उसके जो है पढ़ाने के लिए अनुदेशक नहीं है, आखिर उसकी पढ़ाई किस प्रकार से चल रही है? आप लोग इतना दिन काम किए तो सैलरी का क्या है? जी हाँ, सैलरी जो है हमारी सैलरी पिछले जो है दिसंबर माह तक मिली है, जनवरी माह से हमारी सैलरी नहीं मिली है। बिना सैलरी देते हुए हमें निकाल दिया गया, लेटर दिया गया था निकल? जी नहीं, हमारे कोई पहले से कोई सूचना नहीं है। 11 मई 2018 को अचानक एक लेटर निकली जो है कि आपकी सेवा बर्खास्त कर दी गई है।